नमस्कार, मैं योग गुरु राजेश। सियाटिका पेन ये बहुत ही खतरनाक पेन होता है। बस जिसको होता है वास्तव में इसके बारे में पता तो उसे ही चलता है। सियाटिका पेन, सियाटिका नर्व में जब हमारे कहीं भी अवरुद्ध आ जाता है, उसमें रुकावट पैदा हो जाती है, ठीक से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता, तो ये नर्व बहुत पेन करने लगती है, बहुत ही पीड़ा उत्पन्न करती है। बेसिकली इसका कारण जो है, जब आप लंबे समय तक ऑफिस में बैठे रहते हैं और कमर को झुकाकर बैठते हैं, कमर आप जो है इस प्रकार से टेढ़ी करके बैठे रहते हैं, या आपका ध्यान काम में रहता है और आपकी स्पाइन मुड़ जाती है, तो इसकी आपको एक आदत हो जाती है कमर झुकाकर लगातार बैठने की। आप खाना खाते हैं तो कमर झुकाकर आप बैठे रहते हैं, तो लंबे समय तक सिटिंग जब आप करते हैं तो अक्सर आपके कमर में स्टिफनेस आने लगती है। तो कमर में स्टिफनेस या हल्का पेन आपको फील होगा, और अगर कमर में पेन फील नहीं हुआ तो स्टिफनेस के कारण आपकी मांसपेशियां, जो लंबर भाग की, जो हमारे पीछे की जो मांसपेशियां होती हैं, उनमें स्टिफनेस आ जाती है, और स्टिफनेस आने से सियाटिका नर्व में जो है वो उसको दबा देती है, उसको कंप्रेस कर देती है। और यह पेन आपके हिप से शुरू होकर पहले कुछ समय तक हिप्स में बना रहेगा, फिर धीरे धीरे आप इसको अवॉइड करते रहते हैं। अक्सर इसकी शुरुआती दौर में इसको हर व्यक्ति अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी सियाटिका के जो पेशेंट आते हैं वो सालों दर साल तक इस पेन को झेलते रहते हैं। वो कहते हैं कई महीने तक तो हमें जो है हमें लगा कि ऐसी थोड़ा पेन है इसलिए हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये पेन वास्तव में जब हिप से नीचे की तरफ जाता है, आपकी थाइज के बैक साइड से पूरा नीचे, और जितना पुराना होता जाता है उतना आपकी ये एडी तक पहुंच, यदि एडी तक आपकी पहुंच गया तो समझिए कि ये इसको ये बहुत ही जो है बड़े रूप में आ चुका है। और एडी तक पहुँचने में इसको थोड़ा समय लगता है, एकदम से नहीं जाएगा आपका पेन एडी में, तो आपके काफ मसल्स तक पेन रहेगा। तो आप समझ लीजिए आपको तुरंत इस पर इसके उपचार की आवश्यकता है। अब उपचार में कई बार पेशेंट जो है तरह तरह के इलाज अपनाता रहता है, कहीं कोई फिजियोथेरेपी में लगा रहता है, कहीं कहीं महीने तक जो है फिजियोथेरेपी कराते रहते हैं, कुछ डॉक्टर्स के यहाँ लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सियाटिका पेन का कोई भी मॉडर्न पैथी में कोई इलाज नहीं है। अगर इसका इलाज है तो इसके रूट कॉज को आपको ठीक करना पड़ेगा। ये बेसिकली मैं जैसे बार बार यही कहता हूँ कि सारी प्रॉब्लम की जड़ पेट है। आपको सबसे पहले अपने पेट को साफ करना पड़ेगा। इसके लिए आपको खाने में हल्के सुपाच्य और जो वात नाशक जो चीज़ें हैं उनका प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे आपको रोज रात के समय एक चम्मच मेथी, आप मेथी दाना जो होता है उसको आप भिगाइए कटोरी में, और सुबह उसको उस पानी को भी आप पी लीजिए, और उस मेथी को भी चबा चबा कर खाइए, खूब चबा चबा कर उसको खा लीजिए आप। तो रोज़ आप ऐसा करें, मेथी दाना चबा चबा कर खाएं। दूसरा, बैंगन, भिंडी, अरबी, गोभी, मटर और फलों में केला, इन सबको आप थोड़े दिन के लिए अवॉइड कर दें, तो आप हल्के सुपाच्य भोजन पर आ जाएं। नारियल पानी आप पिए, आप मौसमी का जूस पी सकते हैं, लेकिन खट्टा नहीं होना चाहिए। नींबू पानी अगर आपको सूट करता है तो पिए, नहीं तो आप उसको भी छोड़ दें। खट्टी चीज़ें एकदम बंद कर दें, ठंडी चीज़ें बंद कर दें। फ्रिज की रखी हुई सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा यदि आप सियाटिका पेन से मुक्ति पाना चाहते हैं। तो खाने पीने में इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखें। साथ में मैं आपको कुछ आसनों के अभ्यास बताऊंगा, इन आसनों को आप हर रोज करें, सुबह और शाम दोनों समय करें, जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है और जिनको कम प्रॉब्लम है तो वो एक समय तो उसको ज़रूर करें। तो सियाटिका पेन मैंने जैसे बताया कि इसका इलाज सरल है यदि आप हर रोज़ इस पर काम करें और थोड़ा पेशेंस के साथ काम करें। इसमें आप अपने धैर्य को न खोएं। कई बार पेशेंट जो है अपने पेशेंस को खो देता है और लाखों रुपये MRI में ही लगा देते हैं। कई बार ऐसे रोगी आते हैं जो बहुत कई कई बार MRI करा चुके होते हैं, रिपोर्ट्स की फाइल मोटी हो जाती है, लेकिन सियाटिका पेन
वहीं का वहीं रहता है, बिल्कुल भी नहीं जाता। गाबापेन इत्यादि जो टैबलेट्स हैं, जो नर्वलेक्सेंट है, उनको खाते खाते सालों दर सालों हो जाते हैं, लेकिन जैसे दवाई छोड़ते हैं वापस फिर से 3 दिन बाद वैसा हो जाता है। तो ये इसका जो परमानेंट इलाज है वो योग है, इसका जो परमानेंट उपचार है वो जो है आयुर्वेद में जो औषधियाँ हैं, जो आप जो छोटे छोटे जो घरेलू उपचार है उनको करके भी आप इसको ठीक कर सकते हैं। और आसनों को रेगुलर आपको करना होगा, साथ में आप अश्वगंधा, मेथी मैंने आपको बताया, दूसरा आप अश्वगंधा, अश्वगंधा 1 से 1.5 ग्राम इसका पाउडर आप हर रोज प्रयोग करें। जिनका पेट साफ नहीं होता वो त्रिफला जरूर लें, रात को पानी में बॉयल कर लें 1 चम्मच त्रिफला, और उसको सोने से आधा घंटा पहले उबाल कर छान कर उसको पी लें, गुनगुना रह जाए। तो पेट साफ करना इसमें बहुत ज़रूरी है। अश्वगंधा 1 से 1.5 ग्राम मैंने आपको बताया, इसका प्रयोग करें। अब वो आसन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जिनको करके आप साइटिका पेन से मुक्ति पा सकते हैं। तो पहला आसन है कैट पोज, मार्जर आसन। मार्जर आसन में आप अपने घुटने और हाथों पर इस प्रकार से आ जाएं, गैप कीजिए घुटनों के बीच, कंधों के बराबर, हाथों को अपने कंधों के बराबर गैप में रखें। अब श्वास लेते हुए स्पाइन को नीचे की ओर ले जाएं, गर्दन को आगे से ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए स्पाइन को ऊपर की ओर, कैमल की पीठ की तरह श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। तो इस तरह से आप इसको करें, कम से कम 2 से 3 मिनट तक इस अभ्यास को करते रहें। दूसरा अभ्यास, महत्वपूर्ण अभ्यास, इसको आप ध्यान से देखिए, दोनों हाथ आपको आपने सामने किए, पैरों को पीछे से मिलाकर रखेंगे, श्वास लेते हुए आगे से राइट हैंड को उठाना, पीछे से लेफ्ट लेग को उठाएंगे, इस प्रकार से श्वास को अंदर भरते हुए। हाथ सीधा रहे, आपका लेग सीधा रहे, कुछ सेकंड होल्ड करें, लगभग 10 सेकंड, फिर नीचे, फिर इसे क्रॉस करते हुए श्वास लें, लेफ्ट हैंड तो राइट लेग, और अपने ध्यान को बैक के ऊपर रखें। तीसरा अभ्यास आप इसमें करें भुजंगासन। भुजंगासन में अपने दोनों हथेलियों को कंधों के नीचे रखेंगे इस प्रकार से, ये उंगलियां आपकी ना आगे ना पीछे, बिल्कुल एक सिक्वेंस में रहे, पैर मिलाए पीछे से, श्वास लेते हुए आगे से उठें, धीरे धीरे जितना आप उठ सकते हैं आसानी से उठें। कुछ समय होल्ड करें फिर वापस। हर अभ्यास को आप कम से कम 2-2 मिनट के लिए जरूर करें, कुछ समय होल्ड करते हुए करें, मतलब। तो इन अभ्यासों को आप हर रोज अपने जीवन में अपनाएं और खान पान में चेंज करें, तो आप पाएंगे सियाटिका पेन से पूरी तरह से मुक्ति। ये एक बहुत ही लाइलाज बीमारी है मॉडर्न साइंस के लिए, लेकिन यदि योग आयुर्वेद को अपनाते हैं तो आप इस पेन से मुक्ति पा सकते हैं। इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यह प्रॉब्लम लाखों करोड़ों लोगों को है, और जो इतना परेशान रहते हैं बेचारे, इतना पैसा खर्च करते रहते हैं और उपचार नहीं हो पाता। विदेशों तक भी कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं। एक व्यक्ति मेरे पास आया ऑस्ट्रिया से, सियाटिका पेन के कारण उसको वहाँ से माइग्रेट करना पड़ा, उसको वापस इंडिया आना पड़ा, सारा बिजनेस अपना बाइंड अप किया उसने और वापस यहाँ पेन के कारण। मैंने कहा आप पूरा बिजनेस बंद करके आ गए? कहने लगा कि मुझे सर इतना पेन रहता था, मैं वहाँ थक चुका था, सर्जरी के लिए मुझे रिकमेंड किया, किसी ने मना कर दिया, तो मैं कंफ्यूज हो गया। तो फिर मुझे किसी ने इंडिया में यहाँ उसको हमारे बारे में किसी ने बताया कि वहाँ आप एक बार उनसे मिलें और आप इस पेन से जो है मुक्ति पा सकते। तो तब मैं आपके पास आया, तो मैं आश्चर्य में रहा। मैंने कहा एक पेन व्यक्ति को इतना बड़ा कष्ट दे सकता है, उसको देश छोड़ने पर मजबूर कर सकता है। तो सियाटिका पेन वास्तव में, इसको हल्के में ना लें, ये एक मानसिक बीमारियों को भी उत्पन्न करता है। व्यक्ति का पूरा दिन, पूरा हर समय ध्यान, सोते बैठते उठते बस पेन में ही लगा रहता है, और वो एक साइकोलॉजिकल जो है कई तरह की बीमारियों से घिर जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये उपचार पहुँचे।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, फॉलो करें। आप सभी को इसी प्रकार योग आयुर्वेद से संबंधित जानकारियाँ मिलती रहेंगी। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें। ओम शांति। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।